हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश रेनबो पार्ट टू के चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट का समरी को। इसके अंदर हम लोग जो है समरी एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में उसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं द आर्टिस्ट की समरी को। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी कंपोज बाय जैपनीज राइटर सीगा नोया, यानी कि जो द आर्टिस्ट है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पूरी चैप्टर को ट्रांसलेट किया है एक एक करके और एक्सप्लेन किया। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, द आर्टिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरा वीडियो अवेलेबल होगा। आप पहले उसे देखें फिर उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करें। तो ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि सीगा नोया जो है जैपनीज राइटर है उसके द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी एक्सप्रेस द ट्रेडिशनल लुक ऑफ टीचर एंड गार्जियन टुवर्ड द स्टूडेंट, और इस स्टोरी के अंदर बताया गया है कि जो हमारे टीचर होते हैं मतलब शिक्षक होते हैं और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो है वो पारंपरिक रूप से जो है सो क्या करते हैं, अब अपनी जो है सो बच्चे के ऊपर जो देखभाल करते हैं। द टीचर्स एंड द गार्जियंस थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम ऑन द थिंग्स अदर देन द स्टडी इज़ ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि हमारे टीचर की भी यही सोच है और ख़ास करके हमारे जो गार्जियन है उसकी तो ये सोच होती ही है कि वो ये सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पे, जैसे खेलने पे, क्रिकेट खेल रहे हैं आप तो आप इस पर जो टाइम बिताना या टाइम देना या कोई दूसरी और चीज़ पर टाइम देना ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब कि ये जो है समय की बर्बादी है, ऐसा मानते हैं हमारे गार्जियन। इन दिस स्टोरी सेवी इज़ अ 12-year-old स्कूल गोइंग बॉय, मतलब इस कहानी के अंदर जो मुख्य पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, सेवी है, जो कि 12 साल का लड़का है जो कि स्कूल जाने वाला अभी भी प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता है। ही इज़ कीनली इंटरेस्टेड इन गॉड, वो कद्दू पर जो नक्काशी करते हैं उसमें उत्सुकता दिखाता है, मतलब उत्सुकता से जो है उसके अंदर रुचि रखता है। ही ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन पॉलिशिंग गॉड वेन एवर ही गॉड टाइम, तो ये जो क्या करता है कि एक कद्दू ले लेता है और कद्दू को हमेशा उस पर पॉलिश करना, उस पर नक्काशी करना, ये जब भी टाइम उसको मिलता है तो वो करता है। ही टोल्ड सेबी टू सिंग हिज फादर डिड नॉट लाइक इट, और उसके जो पिता है उसे ये पसंद नहीं करते हैं कि इस कद्दू पे नक्काशी किया जाए। ही टोल्ड सेबी टू सिंग नानी बूशी जो बैलेट्स है, मतलब कि जो सेबी को वो क्या कहते हैं कि नानी बूशी जो बैलेट्स यानी जो गाना है, लोक गाथा है, उसको गाने को कहते हैं। बट सेबी ट्राई टू कंटिन्यू हिज हॉबी इन स्पाइट ऑफ हिज फादर ओपन डिसलाइक, लेकिन जो सेबी है वो अपने पिता के खुली नापसंदगी के बावजूद जो है वो जो है एक शौक रखता है कद्दू पे नक्काशी करने की। When he got time, जब कभी उसे समय मिलता है, he went to the market and collect gourds to different size. और जब भी समय उसे मिलता है तो वो कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, और मार्केट जाके क्या करता है, वो कद्दू खरीदता है और कद्दू पे नक्काशी करता है। One day he bought 5 inches gourd from an old woman. एक दिन उसने क्या किया, उस बूढ़ी औरत से एक क्या किया, एक कद्दू खरीदा जो कि 5 inch का लंबा था। This particular gourd appealed him very much. इस विशेष कद्दू ने उसे बहुत ही जो है आकर्षित किया। He took it to school और उसे जो है क्या करता है उस कद्दू को स्कूल ले जाया and began to polish under his deck और उसे जो है क्या करता है उस पर पॉलिश करना, उस पर नक्काशी करना स्टार्ट करता है अपने डेस्क के नीचे छुपा कर स्कूल के अंदर। One day he caught red-handed by the एथिक्स टीचर, एक दिन वो जो है नैतिकता पढ़ाने वाले जो होते हैं, डिसिप्लिन पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उसके क्लासरूम में काउट रेड हैंडेड का मतलब होता है कि रंगे हाथ पकड़ा जाना, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो मौके पर पकड़ा जाए, मतलब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो काउट रेड हैंडेड, तो वो जो है क्या होता है उस पार्ट के अंदर वो जो है सामने से पकड़ा जाता है टीचर के। एंड द टीचर बिकेम वेरी एंग्री विद द सेबी, और जो टीचर होते हैं वो जो है सेबी पे बहुत क्रोधित होते हैं ये देखकर कि वो जो औरत का काम कर रहा है। फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी एंड प्लेइंग विद द गॉड,
पाठ की उपेक्षा करना, यानी उसे नज़रअंदाज कर रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे नज़रअंदाज कर रहा है, और कद्दू के साथ खेलने के कारण जो है टीचर क्या होता है उस पर बहुत गुस्सा होता है। द टीचर टुक द गॉड विद हिम एंड फॉलिंग सेवी टू हिज होम, और शिक्षक जो है क्या करता है उस कद्दू को छीन कर अपने पास रख लेता है और सेवी के पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। द फादर एंड मदर सेबीज ऑफ सेबी स्कॉल्डेड हिम, और सेबी के माता पिता जो उसे जो है डांटते हैं दबाते हैं। एंड ब्रोक ऑल द गॉड, और उस सारे कद्दू को जो तरासे हुए होते हैं उसको चकनाचूर कर देते हैं। दे टोल्ड सेबी नॉट टू डू अगेन, और सेबी को जो वे सभी जो है कहते हैं कि इस सब काम को दोबारा नहीं करें। दस इस तरह वी सी दैट, हम देखते हैं द टीचर एंड द पेरेंट्स डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, शिक्षक और अभिभावक जो है बच्चे की शौक की परवाह नहीं करते हैं। दिस इज इनजस्टिस टू द चिल्ड्रन, ये जो है एक अत्याचार है। मतलब इस पार्ट के अंदर मैंने जब पढ़ाया था लाइन वाला ट्रांसलेशन उसके अंदर भी और अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बच्चे को पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा शौक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट का जो एक खिलाड़ी होता है जो इंडिया का सबसे नामी और सबसे बेहतरीन अगर पैसा कमाने के लिहाज से भी और जो एक शौक पूरा करने के लिहाज से भी क्या है क्रिकेट है, अगर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे सिर्फ दिन प्रतिदिन हम पढ़ाई ही करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हम क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारी जो एक ट्रेडिशनल लुक बन चुकी है, हमारी जो एक सोच हो चुकी है ट्रेडिशनल एक परंपरागत सोच है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई डिजाइनिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई जो है सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है, मतलब छोटी छोटी गैजेट बनाता है, तो ये सब चीज़ भी करनी चाहिए। पढ़ाई एक लेवल तक ठीक है, 4 से 5 घंटा, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो अगर समय बचे तो आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। लेकिन हमारे जो टीचर होते हैं या हमारे जो गार्जियन होते हैं हमें अप्रिशिएट नहीं करते, हमें उत्साहित नहीं करते हमें इस तरह के काम करने को, जिसकी वजह से क्या होता है कि समाज के अंदर जो है एक टैबू पैदा होता है। तो यही कहानी जो है पढ़ाई बताती है इस चीज़ को। और अगर आपने नहीं देखा तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ पूरा जो है चैप्टर को हमने पढ़ाया, तो उसे भी आप देखें। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी चैप्टर का ट्रांसलेशन रहता है, क्वेश्चन आंसर समरी का भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहती है। साथ में अगर आप इस बार यानी 2022 और 23 के अंदर आप जो है अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए गेस्ट पेपर हमारी आ चुकी है, जिसके अंदर आपको पूरा हिंदी का आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी हिंदी की जो है गेस्ट पेपर आपको मिल जाती है, और प्लस जो है इंग्लिश का गेस्ट पेपर है जिसके अंदर पूरा क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ इसके अंदर इससे लेटर राइटिंग सारी चीज़ होती है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाती है। जस्ट फॉर 40 पेजेस की होती है, 40 पेज की इंग्लिश की और जो है 60 पेज की जो हिंदी की जो ऑब्जेक्ट ये गेस्ट पेपर है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है आप बुक कर सकते हैं। 50 रुपया आपको हिंदी का, 50 रुपया इंग्लिश का हम लोग लेते हैं। इसमें 100 out of 100 आपको जो है टकराएगा, पूरा क्वेश्चन आपको टकराएगा, इसके चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। आप इसे जो है PDF फाइल आपके WhatsApp पे मिल जाती है, आप अपने दोस्तों के साथ जो है एक ग्रुप में परचेज करके आप जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज।